आजकल बच्चों की पढ़ाई लिखाई दिनों दिन महंगी होती जा रही है। बेटी के मामले में पढ़ाई के साथ साथ शादी में भी खर्च का काफी तनाव होता है। इसलिए आम तौर पर हर माता पिता को इस बात की चिंता रहती है कि बेटी की पढ़ाई और शादी के पैसे का एक साथ इंतजाम कैसे होगा। लेकिन आज हम आपको मोदी सरकार की एक खास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके इस तनाव को शायद दूर कर दे। इस स्कीम के जरिए माता पिता बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, संक्षेप में इसे SSY स्कीम भी बोलते हैं। यह छोटी बचत योजना है, लेकिन अगर लंबे समय तक निवेश किया जाए तो इससे बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में काफी मदद मिल सकती है। इस स्कीम में समय रहते अगर निवेश कर लिया जाए तो बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी विवाह तक की चिंता खत्म हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटियों का खाता उनके माता पिता के नाम पर ही खुलता है। इस स्कीम के तहत सालाना 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 8 साल पहले यानी साल 2015 में की गई थी। इस स्कीम की खास बात यह है कि वैसे तो ये स्कीम 21 साल की है, लेकिन बेटी के माता पिता को शुरुआत के 15 साल तक ही पैसा जमा करना पड़ता है। 6 साल तक अकाउंट बिना पैसा जमा किए ही चालू रहता है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते देश भर में ज्यादातर पोस्ट ऑफिसों और सरकारी बैंकों में आसानी से खुलवाए जा सकते हैं। इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का है, यानी पूरी रकम इस अवधि के बाद ही निकाली जा सकती है। लेकिन लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद पढ़ाई के लिए इस खाते से राशि निकाली जा सकती है। हालांकि बेटी की पढ़ाई के लिए भी अकाउंट में जमा कुल पैसे का 50% ही निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बेटी की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज प्रूफ के तौर पर जमा करने होंगे। पैसा किश्त में चाहें तो किश्त में निकाल सकते हैं, एक मुश्त चाहें तो एक मुश्त भी निकाल सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं और 5 साल तक आप किश्तों में पैसा लगातार निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई बेटी की पढ़ाई की, लेकिन अगर शादी के लिए पैसे निकालने हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सरकार ने नियम बना रखा है कि इस योजना के अकाउंट में जमा कुल राशि का 50% हिस्सा ही निकाला जा सकता है। शादी के 1 महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक पैसे की निकासी की जा सकती है, लेकिन पूरा पैसा स्कीम के 21 साल पूरी होने के बाद ही निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि सरकार इस स्कीम के तहत कितना ब्याज दे रही है। दरअसल इस स्कीम के तहत सरकार ने 8% ब्याज तय किया हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर अपनी बेटी के जन्म के बाद से कोई भी माता पिता अपनी बेटी के नाम से हर साल 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 21 साल के बाद मैच्योरिटी पर करीब 44 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे। वैसे सुकन्या समृद्धि योजना में 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई माता पिता 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करता है तो मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर उन्हें करीब करीब 64 लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना की एक और बड़ी खासियत ये है कि सरकार इस पर टैक्स छूट का भी फायदा देती है। पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर ही ATC के तहत टैक्स में छूट का लाभ मिलता था, लेकिन बीते दिनों स्कीम के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है और अब एक बेटी के बाद अगर 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उनके खाते पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। इसलिए अगर आप भी अपनी बेटी का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो इसका फायदा उठाने के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में निवेश की रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे तरीके से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक एक्सेप्ट करता हो। इस साल फरवरी के आखिर तक इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए जा चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपके लिए यह जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस का कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप हमसे समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाएं। तब तक अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।